अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 37 पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 16 का। आज जो हमारा टॉपिक है वो है नॉट ऑपरेशन। तो नॉट ऑपरेशन को हम इस सर्किट की मदद से समझते हैं। हमारे पास यहाँ पर एक ही इनपुट है जो कि स्विच एस है, उसको हमने ए का नाम दिया हुआ इनपुट का, और हमारे पास आउटपुट के तौर पर लैम्प है जिसको हमने एक्स का नाम दिया हुआ। तो सर्किट हमारे पास यूं है कि फर्ज किया हमारे पास लैम्प है, उसको हमारे पास जो है वोल्टेज चाहिए 6 वोल्ट का, तो तब हमारे पास ऑन होता है। अगर उसको 6 वोल्ट का वोल्टेज ना मिले तो ऑन नहीं होता। तो यहाँ से हमारे पास जो करंट जाएगा वो पैरेलल होने की वजह से दो पार्ट में जो है वो डिवाइड हो जाएगा। फर्स्ट क्या हमारे पास लैंप है कि उसको हम कोई भी वैल्यू दे सकते हैं कि हमारे पास वो है 0.6 एम्पीयर या 6 एम्पीयर करंट पे ऑन होता है। तो यहाँ पर वो 6 एम्पीयर की वैल्यू है, अगर हम यहाँ से इसको भेजें स्विच हमारे पास जो है वो ओपन रहे तो जो हमारे पास करंट है वो डिवाइड नहीं होगा, बल्कि सारे का सारा करंट कहाँ से गुजरेगा, लैंप से गुजरेगा। जब लैंप से सारे का सारा करंट गुजरेगा तो लैंप हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसकी लॉजिक को देखते हैं कि अगर हमारे पास स्विच ओपन रहेगा, ओपन की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 0 होती है, तो लैंप हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। दूसरी तरफ हम अगर इसको क्लोज कर दें, अगर हम स्विच को क्लोज करते हैं तो हमारे पास करंट जो है वो डिवाइड हो जाएगा। जब डिवाइड हो जाएगा 3 एम्पीयर यहाँ से गुजरेगा, 3 एम्पीयर यहाँ से गुजरेगा। जब 3 एम्पीयर यहाँ से गुजरेगा तो लैंप हमारे पास जो है वो ऑन नहीं होगा, क्योंकि वो 6 एम्पीयर पर ऑन होता था। तो अब दूसरी लॉजिक में हम देखते हैं कि हमने स्विच को जो है वो क्लोज रखा, लैंप हमारे पास क्या हो गया, ऑफ हो गया। क्लोज की वैल्यू हमारे पास 1 है और यहाँ पर हमारे पास जो ऑफ की वैल्यू हमारे पास 0 है। तो अगर हम देखें कि अगर हमारे पास स्विच को हम क्या करते हैं, ओपन करते हैं लैंप ऑन रहता है, स्विच को हम क्लोज कर देते हैं तो हमारे पास ऑफ होता है। या यूं समझ लें कि अगर हमारे पास इनपुट मिनिमम होगी तो आउटपुट मैक्सिमम होगी, इनपुट मैक्सिमम होगी तो आउटपुट जो है वो मिनिमम होगी। तो ये हमारे पास जो है नॉट गेट हो गया, इसका जो हमारे पास फार्मूला है वो है x = inverse। सिंपल हमारे पास ये हमारे पास ट्राइंगल है, उसके आगे हमने डॉट लगाना है, डॉट यहाँ पर लाजमी लगाना है। तो ये हमारे पास उसका जो है वो सिंपल हो गया। तो नॉट गेट को हम इन्वर्टर भी कहते हैं, क्योंकि नॉट गेट जो फंक्शन परफॉर्म करता है वो इन्वर्जन है, या उसको कंप्लीमेंटेशन भी कहते हैं, जिस वजह से नॉट गेट भी हमारे पास इन्वर्टर भी कहलाता है। तो ये तीन बेसिक गेट्स जो हमने कंप्लीट कर लिए, एंड और नॉट। इसके बाद हम डिराइव्ड गेट्स के बारे में